हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन तीखा स्वाद। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी मलाई की सब्जी। तो इसके लिए मेरा पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई में 1 चम्मच तेल ले लिया है, रिफाइंड ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। इसमें 1 चम्मच राई डाल देंगे। उसके पकने के बाद इसके अंदर प्याज डाल देंगे। मैंने एक बड़ा प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, एक शिमला मिर्च ली है बारीक कटी हुई। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे। देखिए इस तरीके के थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, उस टाइम पे इसमें हरी मिर्च और टमाटर डाल देना है। मैंने एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, साथ ही एक बड़ा टमाटर लिया है, इसे भी बारीक काट लिया है। वैसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भी थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे। जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, उस टाइम पे इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे और नाम मात्र की मिर्च यानी आधे से भी कम चम्मच हम इसमें मिर्च डालेंगे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पकने देंगे। कुछ देर में इसमें बबल्स उठने लगेंगे और ये पक सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखिए ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है हमें, सब सब्जियों को ज़्यादा मिक्स नहीं होनी चाहिए। उसी टाइम पे हम इसमें मलाई डाल देंगे। तो अभी मैंने 1 कटोरी मलाई ली है। अब इसको जो भी हमने सब्जियाँ हैं वो सॉफ्ट हो चुकी है, उनमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। कभी भी आपके घर में गेस्ट आ जाए और आपको जल्दी में कुछ भी बनाना हो और टेस्टी सा बनाना हो, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ऑल बटन प्रेस करें, जिससे सारे वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो देखिए दोस्तों, थोड़ी देर में ही आप इसमें देखेंगे कि बबल्स उठने लगे हैं, तभी उस टाइम पर आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ा पकने दें बबल्स उठने के बाद भी। देखिए दोस्तों, ये कितने अच्छे से तैयार हुई है। धीरे धीरे ये थोड़ी गाढ़ी भी होती जाएगी। अगर आपको इसको थोड़ा ग्रेवी जैसा करना है तो इसमें आप थोड़ा सा दूध भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरी मलाई की क्वांटिटी और सही है तो मैं नहीं करूँगी। देखिए दोस्तों, ये मेरी सब्जी तैयार है। बस आप इसके अंदर हरा धनिया मिक्स कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, स्वादिष्ट सी मलाई की सब्जी तैयार है। इसे आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए।